हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा आपको पढ़ाई करेंगे। आज मैं आपको सिखाता हूँ एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस की आती है, आप वीडियो में देखेंगे, पूरा एक एक स्टेप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन जरा किसको डिवाइड कीजिए टू पार्ट में, ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, देन आइसोस में डिवाइड कीजिए। आप क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे उनको आप पहचान के लिखिए। कैल्शियम इज 1, फ्लोरिन इज 2, देन सोडियम इज 1। आप इनके सिंबल ज़्यादा है कि आप प्रैक्टिस करें तो सब कुछ आ जाएगा, इन सिंबल का नाम भी जानना जरूरी होता है। देन कैल्शियम इज 1, देन फ्लोरिन इज 2, देन सोडियम इज ओनली 1। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, आप नंबर चेक करते हैं दोनों साइड के, अगर सारे नंबर क्या करेंगे मैच करेंगे तो मीन्स क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। चलिए चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। कैल्शियम 1 सेम है, फ्लोरिन 2 सेम है, सोडियम 1 एंड 1। ये रिएक्शन कहते हैं पहले से बैलेंस थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, जो रिएक्शन होती है वो तीन स्टेप में बैलेंस होती है। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा तो फटाफट क्या करेंगे, आप बहुत आसान तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलता है नेक्स्ट में।